14 अगस्त 1947 आजादी के ठीक एक दिन पहले अखंड भारत दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे का वह मंजर इतना खौफनाक था कि भारत की आजादी के सुनहरे अध्याय को बेकसूरों के खून से रंग दिया गया, जिसके निशान आजादी की महान गाथा पर आज भी एक डब्बा बने हुए हैं। अगला दिन 15 अगस्त 1947 भारत का वह ऐतिहासिक दिन बनने वाला था जिसका करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी आग लगा गए जिसकी लपटें आज भी देखने को मिलती हैं। जहां लाखों भारतीय आजादी का जश्न मनाने दिल्ली पहुंचे थे, जहां प्रिंसेस पार्क में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा लहराया था, वहीं करोड़ों लोग बंटवारे के दर्द से रो रहे थे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 77 साल पीछे ले जाएंगे और आजाद भारत की आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, पूरी तरह से इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने इस आजाद भारत के खौफनाक इतिहास को। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग खुशी से रहा करते थे, जहां वर्ष 1957 में आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम के दोनों क्रांतिकारी मिलकर लड़ रहे थे, वहीं इस देश में आम लोगों में अंग्रेजों ने अगले 90 सालों तक एक दूसरे के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया था कि जहां हमेशा एक साथ रहने वाले लोग आजादी के दिन एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। दोस्तों, आजादी के दिन जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय बारिश का मौसम था, कई इलाकों में बहने वाली नदियां सड़कों में मिल चुकी थी, बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो गई थी, देशवासियों को अपने ही देश में रहने से डर लग रहा था। एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन कर रहे थे, तो दूसरी ओर लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। इस वक्त आप दिल्ली से पाकिस्तान की ओर जा रही रियल दुर्लभ ट्रेन वीडियो देख रहे हैं। लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफर करने के लिए मजबूर थे, और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी वे लोग ट्रकों में बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार साइकिल पर अपना बचा खुचा सामान लेकर एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहे थे, जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए भागना पड़ रहा था। हालांकि बंटवारे की यह दास्तां आजादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म को लेकर ऐसा जहर बो दिया था जिसे कई पॉलिटिकल लीडर ने धर्म के नाम पर ही राजनीति की, जैसे कि मुस्लिम लीग के मोहम्मद जिन्ना ने आजादी से कई साल पहले ही यह जिद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देख रहे हैं या उस वक्त की हैं जब मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जिद पूरी की थी और भारत से अलग एक मुल्क बना दिया था। इसके बाद वह अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठ गए थे। हालांकि देश के बंटवारे को रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर भी दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खबर को लेकर पटेल जी को बड़ा झटका लगा था। जी हाँ, 14 अगस्त की शाम को जब वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी पद्मा नायडू के साथ में अपने घर पर बैठे थे, आजादी के भाषण को लेकर तैयारी की जा रही थी,
तभी अचानक से उनके फोन की घंटी बजी और फोन उठाते ही पटेल जी ने जो खबर सुनाई उसके बाद उनका चेहरा लाल पड़ गया था, आंखों में आंसू आ गए और शरीर में सनसनाहट पैदा हो गई, क्योंकि लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के पानी की सप्लाई काट दी थी, जिससे लोग प्यास से तड़प रहे थे और जो पानी के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे उन्हें उसी वक्त मार दिया जा रहा था। यहां से शुरू होने वाले दंगे देखते ही देखते पूरे भारत और पाकिस्तान में फैल गए। लोग एक दूसरे को मरने मारने को तैयार थे। अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त रात 11:55 पर नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने नियति के साथ में जो एक वादा किया था और अब समय आ गया है वादा पूरा करने का। शायद पूरा ना हो सके, लेकिन जहां तक हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। पंडित जी की बात सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाते हुए देशवासियों ने आज़ादी का शंखनाद बजाया था, लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि देश के कुछ इलाकों में आवाम इस आज़ादी की कीमत चुका रही है। इस वक्त स्क्रीन पर आप भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप की कुछ दुर्लभ तस्वीरें देख रहे हैं। देखें कैसे छोटे छोटे बच्चे नल के आगे पानी भरने के लिए लाइन में लगे हैं, जिन्हें काफी दूर तक लेकर जाने के बाद रिफ्यूजी कैंप में पहुंचते हैं, जहां उनके रहने के लिए पक्की छत भी नहीं है, छांव के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ हैं, जहां बैठने के लिए जगह इतनी कम है। कड़कड़ाती हुई धूप में लोग गर्म जमीन पर बैठकर अपना शरीर जला रहे हैं। बच्चों के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े भी नहीं बचे। 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाले आज शरणार्थी बने हुए हैं। महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही हैं। भूख के कारण छोटे बच्चों का शरीर कुपोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के चलते जा रहे हैं। इस ट्रेन के हालात देखिए, जिसमें लोग खिड़की पर लटक कर भी अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में पाकिस्तान से भारत पहुंचना है। यह तस्वीर लाहौर की है, जहां लोग ट्रेन की पटरी के पास ही बैठकर खाना पका रहे हैं, क्योंकि जब ट्रेन आए तो जितना जल्दी हो सके ये ट्रेन में बैठ सकें। यहां खड़ी ट्रेन के ना सिर्फ ऊपर बल्कि ट्रेन के 2 डिब्बे के बीच में भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, जिनके हाथों में उनका कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में सिर्फ जिंदा बचने की उम्मीदें हैं। अगली दुर्लभ वीडियो दिल्ली के कुतुब मीनार की है, जो 1947 में आज़ादी के वक्त कुछ ऐसा दिखता था। वहीं इसके आसपास के इलाके पूरी तरह से बंजर थे, जहां राजाओं के कुछ टूटे फूटे पुराने महल के खंडर हैं। वीडियो में दिख रहे लोग आज़ादी का जश्न मनाने कुतुब मीनार पहुंचे हैं। आज़ादी के वक्त दिल्ली में जश्न का माहौल था। यह फोटो लाल किले की है, जहां पर 16 अगस्त 1947 को लाखों लोग प्रधानमंत्री को देश का तिरंगा फहराते हुए देखने आए थे। हालांकि 250 सालों तक गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखने के बावजूद 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दी थी, तब उन्हें खुद पर गर्व था और वह सर ऊंचा करके बैंड बाजा के साथ भारत छोड़कर जा रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद जिन्ना की कई मीटिंग करवाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के पास में बैठे लुईस माउंटबेटन ने ही अगस्त में भारत को आज़ादी देने की बात रखी थी। साथ में यहीं पर भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया गया था, जिसमें शांति से भारत को आज़ादी दी जा सके, लेकिन इसमें जो हुआ उसे सोच कर हम सबकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगली फोटो देख कर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, उस वक्त कुछ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। हाथ में थाली लिए रिफ्यूजी कैंप में हमारे साथी 2 मुट्ठी खाने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। उसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि कैसे काटा होगा वह समय, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ सच्चे नेताओं ने देश को संभाला, जिस वजह से आज हम ब्रिटेन से भी आगे निकल चुके हैं। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इस बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ा था और 10 से 20 लाख बेकसूरों की जान गई थी, मगर यह अफसोस की बात है।
लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया था। जी हाँ, 27 अगस्त 1948 के दिन जब अंग्रेजों की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तब उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया था। देखिए कैसे कि अंग्रेजों की आखिरी टोली मुंबई बोर्ड पर सवार होकर अपने ब्रिटेन का झंडा लहराकर शान से जा रहे हैं। यही हम भारतीयों के अच्छे संस्कार हैं कि जब तक दुश्मन परेशान ना करे, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करते हैं।